जो कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल में। और दोस्तों बहुत से लोग बकरी पालन स्टार्ट भी कर रहे हैं, और मैं दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो चैनल जुड़ते हैं और देखते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो सोचा क्यों ना मैं आपको अपने घर के ब्लैक बंगाल बकरियों को दिखाया जाए। और देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं भी अभी छोटे से जगह पर फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं अभी छोटा सा स्टार्टअप किया हूँ और कम पैसे में दोस्तों मैंने दो चार बकरी से स्टार्ट किया था। अभी देख सकते हैं ये हमारे कितने सारे ब्लैक बंगाल बच्चे हो गए हैं और बकरियाँ, और अभी क्रॉस ब्रीड भी दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा दोस्तों कि शुरुआत जब मैं शुरू से जब बकरी पालन कर रहा था, बकरी फार्म, तो मैंने दो बकरियों से, मात्र ये दो बकरियों से स्टार्ट किया था। और अभी हमारे पास 12 ब्लैक बंगाल हो चुके हैं दोस्तों। और देख सकते हैं अभी ये खास करके अभी ये नए नए बच्चे आए हैं हमारे घर में, ये लगभग ये 1 महीना का हो गया दोस्तों। और 1 महीने साथ ये एक साथ में 3 बार बच्चे दिए दोस्तों, ये एक बार में 3 बार बच्चे देती है, और ये एक बार में 2 बच्चे देती है। तो ये देख सकते हैं बकरी पालन स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया दोस्तों। मेरा भी स्टार्टअप शुरू से छोटा ही रखा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे चलकर मेरा जो ये फार्म होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्द अपने फार्म को बहुत से बड़े एरिया में फैलाने वाला हूँ। तो मैं अल्लाह ताला से हमेशा अपनी उम्मीद और नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, मैं कोशिश पे जुड़ा रहता हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं सोचता हूँ, उसके बाद मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ और चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। अब मैं किसी भी चैलेंज से नहीं डरता, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा चैलेंज, हर दिन आपके लिए चैलेंज होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो दोस्तों। तो मैं खास करके अपने घर के ब्लैक बंगाल को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को प्रोत्साहित मिले ब्लैक बंगाल बकरियों से। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, समीम भाई ये इस बाज़ार में आइए, उस बाज़ार में आइए। तो दोस्तों मैं ज़रूर आऊँगा, आप लोग जितने कमेंट्स कर रहे हैं मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा, काफ़ी अच्छा फील होता है कि लोग मेरे कमेंट्स, मैं सोचता था कि मेरे वीडियो बहुत बोरिंग होंगे, मुझे पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे लाइज होता है कि इस वाकई में मुझे बहुत से लोग पसंद करते, बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। मैं उनको भी अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको भी कामयाबी दे, उनको भी आगे बढ़ने की अल्लाह ताला कामयाबी दे, और वो हमेशा खुश रहे, उनके परिवार, उनके फैमिली, जितने मेरे यूट्यूबर्स सब सब कोई खुश तंदुरुस्त रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से है? मैं अल्लाह ताला से हमेशा आप लोग की दुआ करता था दोस्तों कि अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहत याफ्ता रखे, और मेरे जितने भी यूट्यूबर्स फैमिली है वो जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैं इनको भी अल्लाह ताला से हमेशा आप लोग की दुआ करते रहता हूँ। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो बनाने का खास मकसद था दोस्तों, क्यों मैं बैठा बैठा घर में बोर था दोस्तों, तो मैं सोचा क्यों ना चलो अपनी फैमिली से बात कर लेते हैं, जो हमारे यूट्यूबर में सोशल मीडिया फैमिली जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और हमेशा हमसे सवाल जवाब करते रहते हैं। तो मुझे फुर्सत के पल मिले, क्योंकि मैं इधर बहुत काफ़ी बिजी हूँ शेड्यूल, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम होने वाला है, मैं एग्ज़ाम भी की तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जॉब भी करता हूँ, इसके साथ साथ मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्तों, इसीलिए मैं बहुत सी जगह पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आज आपको अपने घर के जो ब्लैक बंगाल मैंने किस तरह से छोटे से जगह में तैयार किया, कितने बकरियों से, वो इस सब वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने कितनी मेहनत की है अपने घरों में बकरी पालने के लिए, और किस जगह पे, कितनी छोटी जगह पे मैंने कहने कंजेस्टेड जगहों पर रखा अपने बकरियों को। और मैं हिम्मत नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टअप छोटा ही सा क्यों ना हो, शुरू तो करें पहले, उसको स्टार्टिंग तो करें, और उम्मीद हो कभी नहीं हारना चाहिए, नेवर गिव अप, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम हो, कोई वर्क हो, या चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, या किसी भी चीज़ में आप अगर शुरुआत करो, शुरुआत में आपको कठिनाइयाँ होगी, तो उसे हारना नहीं है, उसे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसका फेस करना है, उससे चैलेंज को स्वीकार करना, उससे लड़ना है। तो चलिए इधर उधर की बातें कम करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो हम आज वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरे घर में 4 ब्लैक बंगाल है, जिसमें से 1 महीना पहले एक 3 बच्चे दी, एक ने 2, और दो दो ने दो दो बकरियाँ, जिस कुल मिलाकर 7-8 बच्चे हो गए हैं। और पहले से हमारे पास 4-5-6 ब्लैक बंगाल बकरी थे, जिसमें से एक जमजम है और एक बड़े कान वाली जमुनापारी से हमने क्रॉस कराया था, और 2 एक ब्रीडर है। और पिछले साल हमने कुर्बानी में 30,000 का 2 खस्सी बेचा था, और इस बार भी हम लोग 2 से 3 कुर्बानी के लिए खस्सी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर बिजनेस में आप टारगेट लेकर नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आप टारगेट बेस नहीं बनाएंगे कि मुझे फेस्टिवलों में इतना ब्लैक बंगाल खस्सी को तैयार करना है, या बड़े नस्ल का भी हो, ऐसा नस्ल का भी हो, तो हमको तैयार करना है कि मुझे इतना निकालना है, इतनी क्वांटिटी में निकालना है कुर्बानी में, क्योंकि आपको अच्छी रकम उसी वक्त मिल पाएगी, अन्यथा नहीं तो आप प्रतिदिन एवरीडे इज़ आपको ऐसा पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको कुर्बानी में, जो जिस हिसाब से आपने पाला है, जिस हिसाब से आपने एफर्ट लगाया, मेहनत की है,
और दिन प्रतिदिन एवरी डे आपने काम किया हो उस हिसाब से आपको अच्छा मुनाफा रकम आपको उसमें ही मिलेगी। साथ साथ आपको दूध का भी मुनाफा होता है दोस्तों। अगर अच्छे एक नस्ल की क्वालिटी के ब्लैक बंगाल पालते हैं तो वो आपको सुबह शाम एक एक गिलास दूध देती है, इससे आप घर में भी उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बेच सकते हैं तो बेच भी सकते हैं, तो वो लगभग 700-800 रुपया लीटर के हिसाब से मिलता है दोस्तों। और ये हमको यही सब बात थी दोस्तों, घर के ब्लैक बंगाल इंजॉय कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं समीम जियो टंच टीवी। दोस्तों मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्तों ये मेरे घर के ब्लैक बंगाल बकरी है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 हैं और ये खास नस्ल झारखंड की नस्ल है, नो क्रॉस, ये ओरिजिनल जो कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल में। और दोस्तों बहुत से लोग बकरी पालन स्टार्ट भी कर रहे हैं और मैं दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो चैनल जुड़ते हैं और देखते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो सोचा क्यों ना मैं आपको अपने घर के ब्लैक बंगाल बकरियों को दिखाया जाए। और देख सकते दोस्तों ये मैं भी अभी छोटे से जगह पर फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं अभी छोटा सा स्टार्टअप किया हूँ और कम पैसे में दोस्तों मैंने 2-4 बकरी से स्टार्ट किया था। अभी देख सकते हैं ये हमारे कितने सारे ब्लैक बंगाल बच्चे हो गए हैं और बकरियाँ, और अभी क्रॉस ब्रीड में दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा दोस्तों कि शुरुआत जब मैं शुरू से जब बकरी पालन कर रहा था बकरी फार्म, तो मैंने 2 बकरियों से, मात्र ये 2 बकरियों से स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास 12 ब्लैक बंगाल हो चुके हैं दोस्तों। और देख सकते हैं अभी ये खास करके अभी ये नए नए बच्चे आए हैं हमारे घर में, ये लगभग ये 1 महीना का हो गया दोस्तों, और 1 महीने साथ ये एक साथ में 3 बार बच्चे दिए दोस्तों। ये एक बार में 3 बार बच्चे देती है और ये एक बार में 2 बच्चे देती है। तो ये देख सकते हैं ये सारे मेरे घर के ही है। और जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने छोटे से जगह पर कैसे बकरियों को रखता हूँ, वीडियो बने रहेगा और भी मैं बकरी को दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों ये हमारे जमजम है, क्रॉस ब्रीडिंग में है और ये जमजम 1 साल की हो चुकी है और ये इसका छोटा भाई है। इसकी माँ ने, जमजम की माँ ने फिर एक बच्चा दिया है और 2 बच्चे दिए दोस्तों, एक बच्चा मर चुका है और एक बच्चा अभी ये है। तो ये अभी 1 महीने का ये भी है दोस्तों और मैं जमजम की माँ दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। ये जमजम की माँ है और ये जमजम की माँ और वो है आपके जमजम और वो जमजम का छोटा भाई, वो 1 महीना पहले ये इन्होंने बच्चा दिया और वो 1 साल हो गया जमजम का। और भी दिखाने वाले हैं, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। एक बार में 3 बच्चे देती है दोस्तों और ये अभी 3 बच्चे दी है, इसके एक और हम क्रॉस ब्रीड का बच्चे दिखाएंगे दोस्तों वीडियो के अंदर, अभी बने रहिएगा। कैसे मैं आपको क्रॉस ब्रीड वाला, इससे बड़ी नस्ल का है, क्रॉस ब्रीड का आया था हमने और काफ़ी बड़ा है। तो चलिए इसके बड़े और उसका जो 1 साल हो चुका है उस बकरी का, उसको दिखाने वाले हैं। ये देखो दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा कान वाला है, जो ब्लैक बंगाल है, ये क्रॉस ब्रीड में हम लोग कराया था और ये जमुनापारी से क्रॉस कराया था और ये देख सकते उसी क्रॉस है। तो हम लोग सोचे कि इसे